हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संपादकीय हिंदी डिक्टेशन में। इसी तरह के डेली नए और सबसे पहले वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। डिक्टेशन 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। सूच में लघु और मंझोले उद्यम अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते हैं, यानी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए MSMI का मजबूत होना अनिवार्य है। लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी MSMI कमजोर, कुपोषित और उपेक्षित है। अर्थव्यवस्था पर इसका असर अस्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है। जब भी कभी किसी झटके से कमजोर रीढ़ हिलती डुलती है, अर्थव्यवस्था निढाल सी पड़ी दिखाई देती है। नोटबंदी, GST और अब कोरोना महामारी के झटके इसके उदाहरण हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के इस कमजोर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अभी तक कम काम बातें ही अधिक हुई हैं। कमजोर, कुपोषित और उपेक्षित श्रेणी के ऐसे उद्यमों की संख्या देश में कोई 6,33,00,000 है और बुरी हाल में भी ये देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 30% का योगदान करते हैं। देश की 45% से अधिक श्रम शक्ति यहाँ रोजगार पाती है। यदि अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को थोड़ा मजबूत कर दिया जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। सरकारी परिभाषा में MSMI का निर्धारण निवेश राशि और कारोबार राशि की सीमा से होता है। 1,00,00,000 रुपए तक निवेश और 5,00,00,000 रुपए तक सालाना कारोबार करने वाला उद्यम सूक्ष्म श्रेणी में आता है। वहीं 10,00,00,000 रुपए तक निवेश के साथ 50,00,00,000 रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले उद्यम को लघु श्रेणी में रखा गया है, जबकि 50,00,00,000 रुपए तक निवेश और सालाना 250,00,00,000 रुपए तक का कारोबार करने वाले उद्यम को मध्य श्रेणी का माना जाता है। यानी 250,00,00,000 रुपए कारोबार के बाद कॉर्पोरेट जगत की सीमा शुरू हो जाती है। MSMI क्षेत्र के उद्यम कई सारी चुनौतियों का एक साथ सामना करते हैं। इनमें भी सूक्ष्म उद्यमों की चुनौती ज्यादा बड़ी है। कई बार तो सूक्ष्म उद्यमों किसी एक उद्यमी द्वारा संचालित किए जाते हैं। मजदूर से लेकर मैनेजर तक की भूमिका एक अकेला व्यक्ति ही निभाता है। ये उद्यमी कम पढ़े लिखे होते हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक बाजार की रीति नीति से अपरिचित होते हैं। ऐसे उद्यम वित्तीय समस्या, प्रौद्योगिकीय समस्या, कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता और उत्पादों के विपणन की समस्या से जुड़े रहते हैं। इन तमाम समस्याओं के कारण ये उद्यम उस गुणवत्ता के उत्पाद नहीं बना पाते जिस गुणवत्ता के उत्पाद बड़े उद्यम बनाने में सक्षम होते हैं। सूक्ष्म उद्यमों के उत्पाद महंगे भी होते हैं। पूंजी के अभाव में ये अपने उत्पादों का बाजार में प्रचार
प्रसार भी नहीं कर पाते। खराब गुणवत्ता, अधिक कीमत और प्रचार प्रसार के अभाव के कारण सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादन बाजार में टिक नहीं पाते। इनके लिए अपनी लागत निकाल पाना कठिन हो जाता है। स्वयं को जिंदा रखने की जद्दोजहद के बीच नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी जैसे झटके इन्हें तोड़कर रख देते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश के एमएसएमई क्षेत्र में 99.4% हिस्सा सूक्ष्म उद्यमों का है। लघु उद्यम 0.52% यानी 331,000 और मध्य उद्यमों की हिस्सेदारी मात्र 0.007% यानी 5,000 ही है। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के अनुसार पहले सवा साल के कोरोना काल के दौरान 45% एमएसएमई को अपने कारोबार बंद करने को मजबूर होना पड़ा। कारोबार बंद होने से बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ने से मांग घटती है और मांग घटने से अर्थव्यवस्था टूटती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि 11 जून को बेरोजगारी दर 12.35% पर थी। मई महीने में यह 111.90% थी। लेकिन हैरत की बात तो यह कि सरकार एमएसएमई के बंद होने की बात से ही इनकार कर रही है। सरकार लगातार कह रही है कि एमएसएमई के बंद होने से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। फिर यह सवाल वाजिब हो जाता है कि क्या सरकार ने आंकड़े जुटाने की कोई कोशिश भी की। ऐसा भी नहीं है कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रही। एमएसएमई को आसान कर्ज उपलब्ध कराने से लेकर उत्पादों के विपणन, प्रौद्योगिकी संवर्धन और कौशल विकास में सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत मदद करती है, लेकिन ये मदद अपर्याप्त ही कही जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को ही देखें। खादी ग्राम उद्योग के योजनाओं के लिए कुल आवंटन पिछले साल के 1,525.94 करोड़ रुपये से घटाकर इस साल 905.04 करोड़ रुपये कर दिया गया। प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटन 683.91 करोड़ रुपये से घटाकर 330.31 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह विपणन समर्थन योजना का आवंटन पिछले साल के 74.63 करोड़ रुपये से घटाकर इस साल 39.96 करोड़ रुपये कर दिया गया। एमएसएमई क्षेत्र में कुशल श्रमिकों का अभाव हमेशा एक बड़ी समस्या है, लेकिन उद्यमिता
और कौशल विकास के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि की गई और इससे 556.47 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 570.93 करोड़ रुपए किया गया है। हाँ, सिर्फ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के आवंटन में भारी वृद्धि की गई और इसे 2,800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी एक योजना के आवंटन के कारण 2021-22 के बजट में एमएसएमई का आवंटन 15,700 करोड़ रुपए हो गया, जो 2020-21 में 7,572 करोड़ रुपए था, लेकिन जीडीपी में 1/3 का योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाले विनिर्माण क्षेत्र में 33.4% का योगदान करने वाले और देश के निर्यात में 45% की हिस्सेदारी निभाने वाले क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट आवंटन ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ नहीं है। स्टॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब।